सरों का। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि यहां पर उमेश पाल हत्याकांड यानी 24 फरवरी 2013 की 23 की घटना को यहां पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है, उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, बड़ा बयान दिया था। और बयान के बाद जिस तरह की रणनीति चलती आ रही है कि चार अपराधी मिट्टी में मिला दिए गए। खैर, यहां चर्चा तमाम थी और चर्चा ये भी थी कि अतीक अहमद जिस तरह से हाल में ही साबरमती से नैनी दो बार लाए गए, तो ये भी अंदेशा था। परिजनों ने अंदेशा जताया था कि ऐसा ना हो कि यहां भी गाड़ी पलट जाए, पर ऐसी गाड़ी पलटने वाली स्थिति यहां पर नहीं बनी। पर जिस तरह से कहा जा रहा था कि विपक्ष भी सवाल उठा रहा था कि तमाम लोग यहां पर चर्चाएं कर रहे हैं, पर जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी भी पुलिस की हद से बाहर है, अभी भी सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है और कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी मनसा सरकार की नहीं थी। सरकार कह रही थी हमारी जांच चल रही, हम लगातार दबिश दे रहे हैं और जल्दी, बहुत जल्दी इनको भी नेस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। और जिस तरह आज बड़ी घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हुआ, जहां पर बुंदेलखंड का मेन क्षेत्र माने जाने वाली झांसी के बड़ागांव क्षेत्र में अतीक अहमद के पुत्र असद और एक और अपराधी जिसकी उस मामले में संलिप्तता थी, उसकी यहां पर हत्या कर दी गई। हत्या यानी एनकाउंटर, हत्या यानी कुल मिला के मृत्यु को प्राप्त हुए। क्योंकि यहां पर विपक्ष का कहना है कि यह एनकाउंटर नहीं है, यह हत्या है। क्योंकि यह हत्या इसलिए है क्योंकि यहां पर आप सवाल उठाएंगे, यह हत्या इसलिए है क्योंकि यहां पर कोई महामानव की हत्या नहीं है, ना एनकाउंटर है, यहां अपराधी की हत्या है, अपराधी का एनकाउंटर है। एनकाउंटर को एनकाउंटर ही कहेंगे, जब मुठभेड़ होती है तो वहां पर हत्या शब्द उपयोग नहीं होता बल्कि एनकाउंटर ही कहा जाता है। पर चूंकि विपक्ष है, वो एनकाउंटर पर हमेशा सवाल उठाता है और हमेशा जांच की मांग करता है। और केवल सपा ही नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर जांच की मांग की है। खैर, एनकाउंटर हुआ और जिस तरह से अतीक अहमद के बयान आए कि सबका जिम्मेदार मैं हूं, रुआंसा भी रहे, और जिस तरह से आज बोतल और चप्पल भी फेंकी गई, कहीं ना कहीं स्पष्ट करती है कि अतीक युग का जो एक खौफनाक युग था उसका आज अंत हो गया। अंत इसलिए बोलूंगा क्योंकि आज अतीक अहमद का अंत नहीं हुआ, पर अतीक अहमद की जो बादशाहत थी, जो सरगर्मी थी, जो एक पूरा रुतबा था, रुतबा यहाँ पर खत्म हो गया। और स्वयं अतीक अहमद की स्थिति ने जिस तरह से बयान उन्होंने दिया है कि हम मिट्टी मिला दिए गए हैं, जो कहा था सरकार ने वो पूरा कर दिया, अब रगड़ रहे हैं केवल। खैर, चर्चा में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सरकार ने जो कहा था उसको पूरा किया, और सरकार द्वारा जो बात कही गई कि माफिया राज को मिट्टी मिला देंगे, उस पर लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। हालांकि कार्रवाई के दौर के बाद जिस तरह से चर्चाएं होती है और विपक्ष हमेशा सरकार पर हमलावर होता है कि यहाँ पर कार्रवाई केवल धर्म विशेष पर क्यों होती है, तो यहाँ पर जो अपराधी होता है वो धर्म विशेष से नहीं आता, या अपराधी अपराधी होता है चाहे वो किसी भी धर्म का हो, और अगर अपराधी है तो अपराधी के साथ केवल एक ही सलूक होता है और वो होता है उसको सजा मिलती है। अब सजा कानून के माध्यम से मिले, सजा एनकाउंटर के माध्यम से मिले, या सजा उसकी एक स्वाभाविक सजा हो, पर कहीं ना कहीं सजा तो यहाँ मिलती है क्योंकि आपने जो कर्म किए उसका आपको भुगतान इसी दुनिया में करके जाना है, और ये किरवंती नहीं, ये कई बार स्पष्ट भी हो चुका है। खैर, चर्चा वैसे महत्वपूर्ण है और इस पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया भी है, बयान भी है, पर सबसे पहले उस बयान को सुनते जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा था कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे, उसके बाद ही बयान भी सुनते हैं, उसके बाद तमाम प्रतिक्रिया को जानेंगे इस चर्चा से पहले। मिट्टी को मिला देंगे, सरकार में देंगे, सरकार किसकी है, सपोर्ट में हो, ये माफिया है। मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, सरकार ने कहा मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में तो मिल गए, मिट्टी में तो मिल गए, तो आप मिट्टी को मिला देंगे, सरकार में देंगे, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, सरकार ने कहा मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में तो मिल गए, मिट्टी में तो मिल गए। तो आप गीता जो भागवत और जो पढ़ते हैं उसमें मतलब सारे चीजों का यही वर्णन है। बिल्कुल बिल्कुल ना, ये सब चीजें तो है ही है, जब पृथ्वी गोल है तो लौट भी कहीं ना कहीं अपनी करनी है, और क्या आनी है अपने साथ।
हुकूमत में हरियाणा में नहीं मारा गया, क्या हरियाणा में नहीं मारा गया? किसकी हुकूमत है वहां पर? क्या घरों को तोड़ दिया नहीं जाता बुलडोजर लगाकर? क्या गोलियां मारकर एनकाउंटर नहीं कर दिया जाता? बताओ, क्या एनकाउंटर नहीं किया जाता? अरे एनकाउंटर कर दिए तो फिर क्या जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों। इनकाउंटर का बात नहीं है, बात यह है कि कोई अपराधी अगर पुलिस से भिड़ेगा तो मारा जाएगा। तो इस तरह जो है मुठभेड़ हुई है और अपराधी बचने के लिए कुछ ना कुछ पुलिस पे अटैक कुछ करते हैं और वो भागा हुआ था, फरार था, तो इस तरह घरगते कर रहा था तो पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट धन्यवाद है, आभार है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं का कमर तोड़ा जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश के माफियाओं से अपील करूंगा, जब तक बीजेपी की सरकार है और बाबा मुख्यमंत्री हैं, तब तक या तो प्रदेश छोड़ के चले जाओ या तो शांत हो जाओ। मैं तो अपनी सरकार को बधाई दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को दूंगा कि सदन में बोला था कि उत्तर प्रदेश को हम सर्वोत्तम प्रदेश बनाएंगे, जितने गुंडे माफिया उन्हें मिट्टी मिला देंगे और जीरो टॉलरेंस की नीति पर मांगा और हमें दोबारा सरकार में जनता ने भेजा, उन्हें हम पूरा विश्वास दिलाते हैं। आज ऐसे अपराधी जितने भी हैं, यही हम उस टीम को भी बधाई देते हैं, एसटीएफ को और डीएसपी को, कि उन लोगों ने अभिरक्षा में लेने का प्रयास किया और उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो भी कुछ हुआ है। चर्चा विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर माफिया युग का अंत हुआ या फिर माफिया युग के अंत की शुरुआत हुई, क्योंकि यहां पर सरकार का कहना है कि माफिया को मिट्टी मिला देंगे और माफिया युग जो चल रहा है उसको पूरा खत्म कर देंगे। और अतीक अहमद के बेटे की जिस तरह से यहां पर आज एनकाउंटर हुआ वो स्पष्ट करता है कि अपराधी कितना भी अपने आप को ताकतवर समझे, चाहे वो 100 से ज्यादा मुकदमे का अपराधी हो, आरोपी हो या सालों जेल में रह रहा हो, पर उसके बावजूद जब कानून का शिकंजा कसता है, जब कानून की कार्रवाई शुरू होती है तो बचने की बात खत्म हो जाती है। और जिस तरह से अतीक अहमद को हाल में ही एक मामले में सजा हुई है, स्पष्ट करती है कि कानून की आज देर है, अंधेर नहीं है और आपको कार्रवाई की हद में आना पड़ेगा। चर्चा में से महत्वपूर्ण हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं तो मैं जोड़ लूँ उनको। नेता सपा से यहाँ पर विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, नेता भाजपा से रामनिवास भाई अपनी बात रखेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी राजनीति विशेषज्ञ में अपनी बात रखेंगे, इसके अलावा तरुणमा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता अपनी बात रखेंगी और विवेक प्रकाश मिश्रा प्रवक्ता रालोर से अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ जो पहला मेरा सवाल रहेगा वो रहेगा नेता भाजपा रामनिवास भाई, रामनिवास भाई कैसे देखते हैं सरकार ने जो कहा उसको पूरा करती नजर आ रही है और जिस तरह से यहाँ पर आज भी कोर्ट में बोतल फेंकी गई, चप्पलें फेंकी गई, स्पष्ट करती है कि जो खौफजदा एक विरासत थी वो यहाँ खत्म होती नजर आ रही है और अतीक अहमद जैसे जो बड़े बड़े माफिया हैं उन्होंने भी अब व्यवस्था के आगे घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं, कैसे देखते आप? जी जी, हम मिट्टी में मिला देंगे जी, और इसके पहले भी कई अपराधियों को मिलाया मिट्टी में। अच्छा, लेकिन फिर भी अगर किसी को सीख नहीं हुई और अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधियों ने इतनी बड़ी घटना की कि सरेआम उमेश पाल उनके दो बहादुर जवानों जो सुरक्षा में उनकी उनकी हत्या कर दिया, सनसनी फैलाने काम किया जी, तो ऐसे अपराधियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश की पुलिस जो सलूक कर रही है निश्चित रूप से वो सही है। और जो पीड़ित हैं, आज मैं उनकी माँ का देख रहा था बयान जी, उन्होंने कहा आज मेरे बेटे को कुछ शांति मिलेगी जी, क्योंकि जब तक अतीक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाएगी जी तब तक पूरी शांति नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी मैं देख रहा था कि समाजवादी पार्टी की विधायक जी और पूजा पाल जी कह रही थी कि हमको बाबा जी पूरा भरोसा है जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर पूरा भरोसा है जी, ये पहला ऐसी घटना है जिसे विपक्ष ने कभी सीबीआई जांच की मांग नहीं की जी, किसी पीड़ित ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जी और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उनको विश्वास था। अच्छा, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अपराधियों को हम मिट्टी मिला देंगे तो आज उनका प्रण पूरा हो रहा है और हमको लग रहा है कि अभी तो शुरुआत हुई है। अच्छा, कई बेटों की हत्या हुई थी
अच्छा। कई भाइयों की हत्या हुई थी, कई बहनों का परिवार उजड़ गया था, कई माताओं को उजड़ गई थी। अच्छा। कभी अतीक रोया नहीं था। आज जब उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ तो मैं देख रहा था कि आपके न्यूज चैनल पे जी अतीक अहमद रो रहा था जी। तो निश्चित रूप से जो समय आ गया है कि अपराधियों को ऐसे ही अपराध करने पर रोना पड़ेगा जी। अगर नहीं संभलेंगे तो जो थोड़े बहुत बचे वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार किसी अपराधी को बख्शने वाली नहीं। ठीक है बेबी पांडे, योगी सरकार यहाँ किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि स्पष्ट यहाँ सरकार की मंशा है कि अगर अपराध करोगे या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दो या फिर आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी, पर अपराधी अपराध को यहाँ पर छोड़ते नजर आएगा योगी सरकार। देखिए गौरव भाई, बड़ा संवेदनशील विषय है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के जो आपने मुद्दा उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आज जिस विषय पे बात हो रही है और जिस तरह से इस विषय को प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं तो एक सवाल उठाऊंगा, छोटा सा सवाल है। जब ये एनकाउंटर और इसकी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी या सरकार जब इसमें वाहवाही लूट रही थी, उसी समय उन्नाव में एक अधिवक्ता रवि गौतम को गोली मार दी जाती है। अच्छा। तो ये दावे कहना कि उत्तर प्रदेश से अपराधी समाप्त हो गए हैं, भाग गए हैं, मुझे लगता है थोड़ा इतनी आबादी वाला राज्य कहां समाप्त हो जाएंगे अपने प्रभाव इतनी जल्द छोड़े यार, तो दावे भी तो नहीं करने चाहिए ना। अच्छा। उत्तर प्रदेश में अतीक मात्र एक माफिया तो है नहीं। अच्छा भाई, कल मुझे लगता है अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करिएगा, कल मेरठ में भी एक हिस्ट्री शीटर की बहुत बड़े 2.5 लाख की नामी का एनकाउंटर हुआ, बिल्कुल उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, हिस्ट्री शीटर तो वो भी था। अच्छा अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, आतंक की बात जब होती है, बिल्कुल बात सही है, आतंक की जब बात होगी तो सवाल उठेंगे और उसका जवाब भी सरकार को देना पड़ेगा। भाई उत्तर प्रदेश में जिस राज्य को सबसे ज्यादा मानवाधिकार के आयोग की नोटिस मिलती है, उस राज्य में सरकार की व्यवस्थित कार्यप्रणाली पे सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग किसी पार्टी की सदस्य तो है नहीं। बलिया में हेमंत यादव को जिस तरीके से मारा गया, अच्छा, और उसके बाद बुलडोजर कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छा। भाई सजातीय होने का थोड़ा बहुत फायदा तो दे ही रही है सरकार। अच्छा। सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसी सरकार है जो कहती है कि दावे हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया भाग चुके हैं और क्रिकेट खेलते हुए मीडिया को दिख जाते हैं, लेकिन पुलिस को नहीं मिलते हैं, जिस जो कि लुकआउट नोटिस लेके उन्हें ढूंढ रही होती है। तो भाई सवाल तो उठेंगे सरकार की कार्यप्रणाली पे भी, सरकार पे भी, और सरकार ये अव्यवस्था अपने लिए स्वयं खड़ी कर रही है, प्रश्न चिन्ह लगवाने का कार्य स्वयं कर रही है। अब रही बात, बिल्कुल ये अगर किसी भी तरीके से बधाई के पात्र हैं तो यूपी एसटीएफ के लोग बधाई के पात्र बिल्कुल हैं, लेकिन मेरा दुख और मेरी संवेदना उस परिवार को लेकर के है जिसने इस पूरे प्रकरण में वो दो पुलिसकर्मी और एक अधिवक्ता जिसने अपनी जान खो दी। अच्छा। मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं कि मैंने पिछली बार भी आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन किया था कि अतीक अहमद के साथ जो होना है कानूनी अनुपालन, कानूनी व्यवस्था, कानूनी जो एक तंत्र बना है उसके अनुसार चल रहा है, लेकिन मैंने कहा था कि कम से कम 1 करोड़ की सहायता राशि और एक एक सरकारी नौकरी उन तीनों मृतक के परिवारों को दी जाए, भाई वो अपनी कर्तव्य परायणता, अपनी जिम्मेदारी को निर्वाहित करते हुए अपने शरीर त्याग गए, शिकार हो गए, और कहीं ना कहीं फेलियर किसका रहा, सरकार का रहा। भाई फेलियर तो सरकार का ही था, भाई कानून व्यवस्था में कहीं भी चूक होगी तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन उस पर किसी ने सुध ना ली। अच्छा। उस पर किसी ने सुध ना ली। चलिए एक मांग और उठा देता हूं, कम से कम जो 5-5 लाख के इनाम थे वो इन पुलिस कर्मियों को दे दिए जाए जिन्होंने इस दिलेरी का काम किया है। अरे संतुष्ट आपके नहीं है ये? किस बात को लेकर के? भैया एनकाउंटर हुआ है, संतुष्ट है कि नहीं? संतुष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं? मेरे अधिवक्ता साथी को गोली मारी गई है, मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ भाई? नहीं एनकाउंटर आप वाहवाही लीजिए, आप सरकार में सत्ता में हुआ है तो आपको दर्द होगा। बात आ जाए, बिल्कुल दर्द होगा, मेरे अधिवक्ता साथी को गोली मारी गई है उन्नाव में। अच्छा। और अधिवक्ता प्रोटेक्शन हो जाएगा, अभी जो एनकाउंटर हुआ है, पहले मेरी बात आने जी, बुला लीजिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के और जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के मैं कई बार मुद्दा उठा चुका हूँ। बिल्कुल उठाए, हाँ ठीक है। आपको राजनीतिक लाभ लेना है, आपने अतीक अहमद को प्रस्तुत कर दिया, बहुत बड़ा माफिया, ठीक है, होगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। 50 से ऊपर जो अपराधी हैं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो सबसे कुख्यात अपराधी माफिया है, जिनके लिए अखिलेश यादव जी ने सदन में चुनौती दी थी, उस चुनौती को बाबा जी स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं टॉप 10 की लिस्ट जारी कर देते भाई? किसका डर है? मैं तो सवाल उठा रहा हूँ और मेरा दुख बिल्कुल जायज है। अधिवक्ताओं का एक आंदोलन चल रहा है कानपुर में इन्हीं इसी सरकार की दुर्व्यवस्था को लेकर के, ठीक है, और दूसरा आज एक अधिवक्ता को गोली मार दी जाती है और एक अधिवक्ता पहले शहीद हो चुका है इसी क्रम में। अच्छा। और आप कहते हैं कि मुझे दुख है कि संवेदना क्यों नहीं व्यक्त कर रहा हूं मैं जी। भाई मेरे परिवार का, मेरे किसी सदस्य को अगर किसी भी तरह की क्षति हो रही है जी। और ये निकम्मी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है तो इसको आत्ममुग्धता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहली बात, दूसरी बात, ये हत्या नहीं विकल्प है, न्यायपालिका के अंत का संकल्प है।
अच्छा, ना कोई कानूनी प्रक्रिया। भाई देखिए, एक बात मुझे दुख केवल इस बात का होता है कि राजनीतिक दबाव के अंदर अगर जो अखिलेश यादव जी ने भी सवाल उठाए, क्योंकि मुझे पता है अगला सवाल आपका वही आने वाला है, अगर अखिलेश जी के बातों को लेकर के कोई भी संशय है तो उसको भी स्पष्ट कर देता हूं। सीआरपीसी 176 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, प्रावधान है बकायदा कि हर एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच होती है, ठीक है, और पिछले कई क्रम में ऐसा कई बार सामने आया है कि पुलिसकर्मी फंसते हैं, ठीक। मेरा दुख केवल इतना है कि अगर किसी दबाव में इस तरह की कोई भी कृत्य में किसी पुलिसकर्मी की के ऊपर जांच आती है, किसी की नौकरी जाती है, क्या ये सरकार जिम्मेदारी लेगी उसकी? अच्छा, मेरा तो सवाल है। तो आप चाहते हो कि उमेश पाल जैसे हत्याकांड दोहराते जाए? ये तो पूछिए ना, सरकार किसकी है जी? भाई ये बताइए, आप लोग इतनी उमेश पाल की हत्याकांड हम चाहते हैं, जो आपके शब्द थे अभी, ये जितनी एफआईआर जिस जो हुई है अतीक अहमद के ऊपर, वो क्या इनके कार्यकाल में हुई है क्या? अच्छा, किसने की वो एफआईआर? वो एफआईआर किसके कार्यकाल में हुई? पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में हुई, और उस पूर्ववर्ती कार्यकाल में जो एफआईआर हुई, आपके आपके सरकार चार बार रही है, कितनी कितनी एफआईआर की जांच करके आपकी सरकार चार बार रही है बेबी पांडे, वो भी कितनी एफआईआर? हाँ, तो मैं तो पूछ रहा हूँ, वो एफआईआर किसके कार्यकाल में? क्या 100 से अधिक एफआईआर योगी जी ने करवाई क्या? जी योगी जी ने करवाई थी क्या? कैसे आप पोषित कर सकते हैं? हाँ, मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा योगी जी को कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के कदम पे चलते हुए कम से कम उन्होंने इतनी प्रेरणा दिखाई। अच्छा। कि कम से कम उन्होंने राजनीतिक अपराधीकरण को दूर करने का एक संकल्प लिया, लेकिन नहीं कर पाए। अच्छा, क्योंकि पहले कार्यकाल में भी इनके 114 दागी विधायक सदन का हिस्सा थे। अच्छा। इस कार्यकाल में भी है, एडीआर इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट है, और सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात आपके होती है। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार सुप्रीम आपके, कोर्ट में आपकी पार्टी साधु बैठे है क्या? करती है कि चुनाव लड़ने की रिपोर्ट है, एडीआर के पक्ष में आप साधु बैठा है क्या पार्टी में अपने? आपके साधु बैठे है क्या? एडीआर रिपोर्ट इनके लिए है तो आपके लिए भी ये बताएंगे ना, ये बताए ना, अगर उनके साथ तो आपके भी है, मुझे पता है। पूछ रहा हूँ सवाल, ये बताए ना, एडीआर का देना फिर डेटा ला करके। अच्छा, एडीआर इलेक्शन वॉच का डेटा देना, मैंने एडीआर इलेक्शन वॉच का डेटा दिया, ठीक है, एडीआर इलेक्शन वॉच का डेटा दिलवाइए ना, मैं तो बैठा हूँ यहीं पे। मेरा एक सवाल है, मैंने सिर्फ इतना आपसे पूछा है कि जो एनकाउंटर हुआ है असद और गुलाम, उसके पहले दो और हुए, ठीक है, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना सवाल इतना है, आपने कहा अधिवक्ता की हत्या हुई, बिल्कुल हुई, ठीक है, आपने कहा दो पुलिसकर्मी निर्दोष थे, उनकी हत्या हुई, बिल्कुल हुई। उसके बाद जब यहाँ पर चार एनकाउंटर हुए हैं, बिल्कुल हुई, तो यहाँ पर आपको उसके लिए सकारात्मक समर्थन देना चाहिए, हाँ या ना? कौन समर्थन नहीं दे रहा है जी? मैंने क्या कहा अभी जी? मैंने कहा कि जो इनके शब्द थे कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, तो वकील अधिवक्ता को गोली उन्नाव में कैसे मारी गई, इसका जवाब कौन देगा? अच्छा, मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ, उस पर आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे जी? भाई जब इन्होंने कहा तो आपने जिस तरह मुझे टोका, इनको क्यों नहीं टोका आपने कि अगर उन्नाव में एक अधिवक्ता को दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है तो इसको आप कानून का राज कहेंगे? अभी रामनिवास भाई ने ये बात कही है कि परिवार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं की थी, उन्हें पता था कि योगी सरकार और यहाँ पर फैसला होगा और सही फैसला होगा, ठीक है। तो क्या ये स्वीकार कर रहे हैं क्या जी? ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्नाव के प्रकरण में सेंगर ने जो किया था उसमें योगी सरकार बचा रही थी उनको, ये मानते हैं ना आप? अरे भाई, इन्होंने स्वीकार कर लिया ना फिर इस बात को, भाई टेनी के प्रकरण में योगी सरकार बचा रही थी, मानते हैं ना आप? किसको बचा रही थी? भाई बचा रही थी ना टेनी के बेटे को, वो तो रामनगर जवाब देंगे। अरे तो अभी आपने कहा ना, अभी जेल में है, इन्होंने स्वीकार पांडे, तो बस मैं तो वही कह रहा हूँ, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, स्वीकार कर लिया यहाँ पर, मैंने समर्थन की बात कही, जांच की मांग नहीं की गई। अच्छा, तो मानते हैं ना कि टेनी के प्रकरण में, सेंगर के प्रकरण में, चिन्मयानंद के प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग की गई बराबर, और उसके बाद इसका अर्थ यही निकलता है तो मेरे पास योगी सरकार पे भरोसा नहीं था। चले ठीक है, मानते हैं कि नहीं? चले ठीक है, पहले उन्नाव पे जवाब ले लीजिए। चले ठीक है, पहले उन्नाव पे जवाब लीजिए। ठीक है, पहले उन्नाव पे जवाब लीजिए भाई। कैसे ठीक है? एक अधिवक्ता को जवाब लूंगा आपका, ठीक है। प्रवक्ता राहुल प्रकाश मिश्रा, मिश्रा जी, यहाँ पर एनकाउंटर हुआ, उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई, पक्ष में भी बयान आ रहा है और विपक्ष में भी बयान आ रहे हैं, किसी को यहाँ अच्छा लग रहा है, कोई यहाँ पर संतुष्ट है कार्रवाई से, तो कोई कह रहा है कि यहाँ पर पिस्त उठाना जरूरी है और इस तरह के एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। कानून व्यवस्था किस लिए है? क्या भाजपा कानून के हिसाब से चलना नहीं चाहती है? क्या भाजपा वालों कानून पर भरोसा नहीं है? कहीं ना कहीं जो प्रश्न आ रहा है वो स्पष्ट करते हैं कि अभी भी तमाम तरह की चर्चाएं लोगों के मन में है। कैसे देखते हैं आप? कोई मत मजहब दल नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। क्या बात! और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में पारदर्शिता होनी चाहिए जी। वो चाहे किसी दल को बिलोंग करते हो या किसी भी मजहब को बिलोंग करते हो, और उनके खिलाफ कार्रवाई करके और फिर उसका राजनीतिकरण करना, तो प्रश्न तो लाजमी उठेगा ही उठेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जी।
अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो मैं समझता हूं इसके लिए पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति इस बात का समर्थन नहीं करता है कि प्रदेश में आपका अपराधीकरण हो और अपराधियों का मनोबल बढ़े। जी। सरकार कार्रवाई कर रही है, ठीक है, सरकार अपने ढंग से कार्रवाई करे, लेकिन सरकार को यह भी चाहिए कि अगर उनसे रिलेटेड भी कोई व्यक्ति है तो उसके भी खिलाफ उसी तरीके की कार्रवाई की जानी चाहिए जिस तरीके के खिलाफ वो और दलों से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छा। जब वो अपने से जुड़े हुए लोगों के विरुद्ध उस तरीके की कार्रवाई नहीं करते हैं तो प्रश्न उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए ये प्रश्न उठ रहा है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति इस बात का समर्थक नहीं है कि कोई गुंडागर्दी, कोई प्रदेश में आतंक, कोई उग्रवाद पैदा हो और उसके करने वाले व्यक्ति का कोई भी दल समर्थन करे, कोई भी इस बात का समर्थन नहीं करता। रही बात प्रश्न की, तो प्रश्न क्यों उठता है? न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, सरकार अपना काम कर रही है, तो बेहतर तरीके से काम करने के लिए अपराधियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कार्रवाई होगी तो उसमें वो चाहे इनकाउंटर हो, चाहे उनको जेल में डालना हो, चाहे उनके खिलाफ और मुकदमे चलाने हो, इसका कोई विरोधी है ही नहीं। जब इसका राजनीतिकरण किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न तो उठेगा ही। गौरव जी, ठीक है, ठीक है। तरुण श्रीवास्तव, हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी आपकी पार्टी बन गई है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। वो खुशी आपके चेहरे पर नजर आ रही है तरुणमा जी, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारी पार्टी से कोई बयान नहीं आया आधिकारिक, क्या इस पर समर्थन नहीं मिलना चाहिए सरकार द्वारा? अगर यहाँ पर कोई बेहतर काम किया गया है, अभी एनकाउंटर हुआ है, अपराधी का एनकाउंटर यहाँ पर हुआ है, और जिस तरह से लोग भी चर्चा है कि माफिया युग के अंत की शुरुआत हो गई है, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? उसको सजा न्यायपालिका दिलाता है। अच्छा, वो सरकार ही नहीं दिलाती। अच्छा, ये मैं आपको पहली बात बता दूं, सरकार ही नहीं दिलाती, लेकिन सरकारें उसका फायदा जरूर उठाती हैं। अच्छा, फायदा उठाती हैं। जैसे जो योगी सरकार है, भाजपा सरकार, वो हमेशा आवाज नहीं आ रही टाइम पे अपराधियों को लेकर, और या ये कहे कि एक तबके के समाज के व्यक्ति को लेकर वो कहीं ना कहीं फायदा उठाती है। अच्छा। अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव की तैयारी चल रही है। अब ये बताइए, अगर किसी अपराधी को दूसरे जेल से दूसरे जेल पे ले जाना है, उसके लिए इतने कैमरे, इतने न्यूज चैनल्स और इतनी सारी जो प्रचार प्रसार करने की क्या जरूरत है? एक अपराधी को दूसरे जेल में ले जाने के लिए, जेल में ले जाने के लिए तो उसको कोई जरूरत नहीं है इतनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अच्छा। लेकिन वो इसलिए कर रही है क्योंकि चुनाव है, अब 2024 आ गया है, 24 आ गया, उत्तर प्रदेश का चुनाव, ये इनका जो है, इनके पास कोई भी अब ब्रांडेड नेता नहीं बचा है। अच्छा। अब ये अपराधियों को अपना ब्रांड बना रहे हैं। अच्छा। कि हम इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, देखिए हम अपराध खत्म कर रहे हैं। अपराध तो ये उत्तर प्रदेश में खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। सच्चाई ये है कि अपराध खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। अभी हमारे सपा के प्रवक्ता जो सर हैं, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही, सारे जो कानून जो है, जो व्यवस्था चल रही है उत्तर प्रदेश की शानदार, उसकी गाथा गा दी है उन्होंने। हाँ। कायदा तो ये बात तो यही चल रही है उत्तर प्रदेश में। अच्छा। अपराध जो है ना, अपराधी खत्म हो रहे हैं ना अपराध खत्म हो रहे हैं। अच्छा। बस 2024 का जो है ब्रांडेड नेता बनाया गया अतीक को। अच्छा। उसके बेटे को आज आप चाहते तो देखिए, आप योगी जी की जो पुलिस है वो चाहती तो उसे पकड़ सकती थी। अच्छा अच्छा। पकड़ सकती थी, एनकाउंटर की जरूरत नहीं होती, आप पकड़ सकते थे उसको। जी। लेकिन उसे जानबूझ के उसका एनकाउंटर कर दिया गया। जी। ये सबको मालूम है एनकाउंटर कैसे होता है। अच्छा। इसमें कोई छुपी बात नहीं है। ठीक है। और देखिए, उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है वो नपुंसक हो चुका है, वो कोई काम नहीं कर पाता। अच्छा। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और एड करता जी। और योगी सरकार जी बता दीजिए, महिलाओं की कहां सुरक्षा कर पा रहे हैं? अच्छा। कोई सुरक्षा ही नहीं है उत्तर प्रदेश में महिलाओं की। अभी हमारे ही हाल अपने जिले में मैं महिलाओं को लेकर चली गई, आपने जो बदमाश गुंडे उनकी FIR सबसे पहले लिख ली पुलिस वालों ने, लेकिन हमारी जो महिलाएं जो साथ में गई हैं, जिनकी बेटियों के साथ बदतमीजी की गई है, उसकी सिर्फ तहरीर ले ली, कह रहे हम आपके बस बात सुनेंगे, उन्हें टाल दिया गया, उनकी बात ही नहीं सुन रहे, चार दिन से वो भागा दौड़ी कर रही है। अच्छा। तो ये इस तरीके से बेवकूफ बनाने का काम वहां बैठे किया जाता है। मेरा 3 सवाल आपसे,
आपने कहा ब्रांडेड नेता, नेता तो नेता, तो ब्रांडेड क्या होते हैं, मैं समझ नहीं पाया। देखिए इनके ब्रांडेड जो नेता हैं पूरे देश में चलते हैं। अच्छा, अब वो ब्रांडेड जो है वो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, जैसे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अमित शाह जी हैं। अच्छा, क्योंकि इसलिए खत्म हो क्योंकि उनकी सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है। अच्छा, अडानी के साथ जो दोस्ती मोदी जी की चल रही है वो दुनिया के सामने, उसको देश के सामने सच्चाई आ चुकी है। जी, अब उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, भाजपा की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अच्छा, अब वो फिर अपने उसी ढैया पे आ चुकी है, वही हिंदू मुसलमान पे आ चुकी है। अच्छा, अब देखिए धीरे धीरे, अभी अतीक, अब उत्तर प्रदेश में अतीक को लेकर आए हैं, धीरे धीरे देखिए और भी लोग आएंगे, हो सकता है आगे कुछ कुछ और भी तत्व जो है, शरारती तत्व जो है एक्टिव हो। ये तो यहाँ चेहरा है। अच्छा, इस सरकार का, इस भाजपा के संगठन का, इस सरकार का चेहरा है कि ये चुनाव जो है वो कभी मूलभूत सुविधाओं पे नहीं लड़ती है। अच्छा, वो शिक्षा स्वास्थ्य पे नहीं लड़ती है। अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर और मस्जिद पे लड़ती है। ठीक है तरुणमा जी, वो हिंदू मुसलमान, मेरे दो सवाल और रहेंगे, उसका जवाब भी दे दीजिए। आपने कहा अपराधी खत्म नहीं हो रहे हैं, जो असर और गुलाम थे ये अपराधी नहीं थे क्या? नहीं बिल्कुल, अपराधी, देखिए अपराधी खत्म होने चाहिए। हाँ, लेकिन न्यायपालिका के द्वारा होने चाहिए। अच्छा, न्यायपालिका। अच्छा आप बताइए अगर एक या दो खत्म होने से आप पूरे उत्तर प्रदेश की जो अपराध है उसको आप ये मान लेंगे खत्म हो रहे हैं? बताइए, इन्होंने सांसद और विधायक बना रखा है उनके यहाँ कब बुलडोजर चलेगा? अच्छा, अब ये बुलडोजर बाबा इन्होंने लिया है ना, ना ये संविधान मानते हैं। अच्छा, क्या ना ये न्यायपालिका मानते हैं, इनका जो मन आता है वो करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ अपराधियों को के एनकाउंटर पे आपका रुख सकारात्मक नहीं है, विपक्षियों को भी अपराधी बनाने का काम करते हैं। धर्मा जी, कुल मिला के आम आदमी पार्टी का रुख सुन लीजिए, मेरा कहना है कि आम आदमी पार्टी का रुख इस एनकाउंटर पे सकारात्मक नहीं है। आप सरकार का जो यह एनकाउंटर हुआ है उस पर आप समर्थन नहीं कर रही है, जनता इस पर खुश है, समर्थन नहीं कर रही है, उमेश पाल की माँ खुश है, आप समर्थन नहीं कर रही है, उमेश पाल की माँ खुश है, आप समर्थन नहीं कर रही है, आपको दुख हो रहा है क्या? आपको दुख हो रहा है क्या? मैं कभी भी तीन लोगों की हत्या हुई है खुलेआम, उसको मारा गया, आपको दुख हो रहा है क्या? समर्थन क्यों नहीं कर रही है आप लोग? उसे फांसी की सजा देता उसकी सजा पे तो मैं उसका समर्थन करती, लेकिन एनकाउंटर का समर्थन मैं कभी भी नहीं करती। ठीक है, ठीक है। गजेंद्र भाई जी, क्या विश्लेषण है आपका? कि विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो समर्थन तो मिल नहीं रहा है, प्रश्न जरूर उठाया जा रहा है, क्या राय आपकी? देखिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया जाए। अच्छा, तो जितने, अरे क्यों छोड़ दिया भाई, राष्ट्रीय पार्टी बन के आई अभी परसों भाई। मैं, हाँ, जो आज का मुद्दा है जी, आज के मुद्दे पे बाकी सारे दल इस बात को मानने को तैयार हैं कि एक दुर्दांत अपराधी था ये जी, और ऐसे अपराधियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन किंतु परंतु के साथ जी। अब किंतु परंतु यहाँ पे जोड़ दिया जाता है जी, जब एसटीएफ के ऊपर गोली चलती है ना मैडम, एसटीएफ जो है वो हमारे ही आपके घर से आता है, वो नौकरी करता है सिर्फ जी, और जब गोली चलेगी तो गोली ही चलेगी जी, गोली के साथ फूल और माले नहीं दिए जाते हैं वहां जी, और अगर फूल और माले लेकर के जाती एसटीएफ वहां जी, तो लाशों की ढेर रहती, और उनके घर की हालत पूछिए जो वहां पे सुरक्षा कर्मी दो दो राज्यपाल की हत्या के समय में मारे गए जी, उमेश पाल के हत्या के समय जी, तो क्या स्थिति थी जी? देखिए, अपराधी का इस स्तर पे समर्थन करना जी, कि मुद्दे को भटका के ले जाना, बात आती है एडीआर की रिपोर्ट की, यहां नहीं होगा विशेष, विधानसभा में चर्चा होती है क्या जी? आज तक हुई है कभी चर्चा? बे पांडे पूछ रहे थे भी, नहीं हुई है जी, क्योंकि वहां पर इस बात की चर्चा इसलिए नहीं होगी कि जो मुद्दा है, जिनके ऊपर मुद्दा है जी, वो वहीं पे सदन में बैठे हैं। अच्छा, चर्चा नहीं होगी, सही बात, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते बड़े हैं आपने जी, क्योंकि यहाँ वो लोग नहीं बैठे हैं। बिल्कुल, वहां तो सब के सब एक ही जैसे हैं जी, जब अपनी बात आती है तो वह कानून बना लेते हैं अपने अनुसार जी। तो मैडम, यहाँ पर जो स्थिति है जी, यह एक ऐसा अपराधी है जी, जिसकी औलादे मारी गई हैं, जो उसके लोग मारे गए हैं,
यह इसका एक स्ट्रक्चर है, एक एक कहा जाए कि अपराध का एक डिजाइन था वो, उसके ये अभिनेता थे। एसटीएफ पे गोली चलेगी और एसटीएफ हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? नहीं, आज सत्ता जिनके हाथ में है वह यह नहीं कहते हैं कि अतीक को फूल माले के साथ ले आओ, स्वागत में जाओ उसके, चार लोग एसपी और डीएम भी स्वागत में रहते थे, तो आज वो स्थिति नहीं है। टैनी जी को क्यों स्वागत में रखा? आज वो स्थिति नहीं है मैडम, ये बताइए ना, हमारी बात हो जा रही है, बोलिएगा आप। टैनी जी को नहीं, हमारी बात हो जाए खत्म। टैनी जी को अमित शाह जी ने अपने स्टेज के साथ फूल और माला के साथ क्यों रखा हुआ था? जी फूल और माले के साथ ये कोई जो जहां तक बात हो रही है जी, दशकों से देखिए हालात क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की हालात अपराधी के दृष्टिकोण से जब भी आप देखेंगी तो यह पूरा हर जिले में इसका पूरा का पूरा नेटवर्क था। आम आदमी से पूछिए जी, आज वो सुकून सांस ले रहा है शांति का। अच्छा। और क्यों ले रहा है शांति का? क्योंकि सत्ता में जो बैठा है वह छूट दे चुका है कि गोली चलेगी तो गोली चलाओ। अच्छा। तो जब जब ऐसी सरकार रहेगी अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे या मारे जाएंगे। अभी जो बात हुई है कि उन्नाव में एक एडवोकेट की हत्या हुई है, निश्चित तौर से हत्या नहीं, गोली लगी, गोली लगी है जी, हत्या करने की साजिश की गई होगी जी, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। वह अभी लोग बचने वाले नहीं है जी, क्योंकि सरकार ऐसी है बचने नहीं देगी वो। अच्छा। भाग लो जितना भागना हो, कितने दिन भागे हैं ये इलाहाबाद के घटना के बाद? कितने दिन भागे हैं? कहां भाग के जाओगे? धरती खा जाएगी, आसमान खा जाएगा? नहीं, यहां रहोगे तो खींच के आओगे। ठीक ठीक है। रामनाथ भाई, बेब पांडे नाराज थे भाई, एडीआई की रिपोर्ट बता रहे थे, वो कह रहे थे भाई आप लोग इस तरह कर रहे हैं, ये बात आपकी गलत है, आप लोग लिस्ट क्यों नहीं जारी करते 10 लोगों की, टॉप 10 लिस्ट जारी नहीं करते हैं, उन पे आपका बुलडोजर क्यों नहीं चलता, उन पे आपका एनकाउंटर क्यों नहीं होता है? नहीं गौरव जी, विवेक जी भी बात रख रहे थे। हाँ। क्योंकि इसके पहले आदरणीय अखिलेश जी का भी बयान आया जी, क्योंकि जिसका जैसा आचरण होता है अच्छा, उसी अनुसार वो अपने बयान देता है, अच्छा उसी आचरण के अनुसार अपराधियों का संरक्षण देता है जी। आज अतीक अहमद कौन है जी, इन्हीं का तो पाला हुआ गुंडा था। अच्छा, इनका पाला गुंडा, इन्हीं की पार्टी का तो विधायक बनने लगा है, 5 करोड़ ये ले रहे हैं, इनके मंत्री 5 करोड़ ले रहे हैं, और नंदी के ऊपर कितने आपराधिक मामले, जरा ये भी बता दीजिए। नहीं मैं तो संयमता से पूछ रहा हूँ, आप सरकार है, जितनी बेशर्मी से आपने 5 करोड़ नकार लिए हैं, जांच तक नहीं करवाई, यही सपा की सरकार होती, मतलब ये नहीं कि छाती पीट पीट करके ये इस्तीफा मांग रहे होते, और आज तक हिम्मत नहीं किसी भाजपा प्रवक्ता के, मंत्री नेता प्रवक्ता की औकात नहीं जो नंदी पे जांच की बात कर दे, ये करेंगे बात, और ये बात बिल्कुल सही है, जिसका जैसा आचरण अपने ऊपर मुकदमे वापस लेने वाले अपराधी को चिन्हित करने में, सब लोग लेते हैं, वो तो सब लोग लेते हैं। अखिलेश जी में कितने मुकदमे बताइए, अखिलेश जी में कितने मुकदमे हुए? मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, मैं मुलायम सिंह यादव, मैं दिवंगत वो मुंडा था, मैं उसी लोगों को तकलीफ हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा, अगर उनके नेता जी को तकलीफ हो रही है, सम्मान है कार्यकर्ताओं को, अखिलेश जी पे कितने मुकदमे वर्तमान बताइए, तकलीफ इनकी झलकी है यहाँ, और कितने मुकदमे जमीन वापस लिए वो बताइए, वो तो पता भाई, इन्होंने कहा जिसका जैसा आचरण होता है, अतीक अहमद के बारे में नहीं बोल सकते होता है, अतीक अहमद के बारे में नहीं बोलेंगे, अच्छा इनका पाला हुआ आदमी है, सुन लीजिए, नेता जी ने अतीक अहमद को गलत हुआ से धकेल दिया था, उसको बचाने के लगातार प्रयास किया जा रहा था, लेकिन भूल गए अधिकरण को दूर कर देने की पार्टी योगी बाबा जी है, उनका बुलडोजर है, क्यों कर नहीं है, आप तो आतंकवादियों को टिकट देते हैं, योगी जी की आतंकवादियों को पोषित करने वाली जैसा अपराध करेगा पाला हुआ अपराधी आज मारा गया है, इसलिए तकलीफ है, तकलीफ हो रही है,
जब अपराधी की छाती पर उत्तर प्रदेश गोली चलाती है तो तकलीफ अखिलेश जी को होती है, तकलीफ समाजवादी पार्टी के लोगों को होती है, क्योंकि सिरके हुए पाले हुए अपराधी थे। लेकिन ये भूलना चाहिए कि अपराधी अपराधी होता है। आपके उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा सजा हमारी इसी प्रकार देगी, इनके विधायक को पसंद नहीं देगी। अच्छा, अभी तो शुरुआत भी है और ये बात करेंगे समाजवादी पार्टी, एक भी अपराधी बचेगा नहीं, पाताल में भी जाएगा, जितनी बार प्रदेश की पुलिस उसको निकाल के लाएगी। डिग्री चेक करिए भाई, भाई विवेक पांडे जी इनके नेताओं की फोटो, डिग्री वाला मामला नहीं है, इनके नेता है, डिग्री वाला मामला नहीं है, पाला हुआ गुंडा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनसे इनके संबंध है। ये भाई नेताजी अखिलेश यादव जी के उनके संबंध है, इसलिए इनका पाला हुआ गुंडा है। अगर गुंडे बोले बोले बारी बारी बोलिए, देखिए विवेक पांडे जी कभी उसकी बोल लीजिए झूठ उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका पाला हुआ गुंडा था। अगर आज उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा दुर्दांत अपराध किया, फिर भी अगर इनकी आंखों में जरा सा भी पानी नहीं आया उन माँ के लिए, उन बच्चों के लिए, उस पत्नी के लिए जिनके बेटों को दुर्दांत हत्या हो गई, उनके बारे में नहीं बोला, नहीं लेकिन अतीक भाई जान है इनके। हाँ। क्योंकि इनके पाले हुए हैं, उसकी तारीफ करेंगे, तो लेकिन अतीक अहमद अपराधी है, उस अपराधी को वही सजा मिलेगी जो आज उनके बेटे को मिली है और जो उस सूत्रों की मिलेगी वही मिलेगी, कोई नहीं बचाएगा। बोलूं हो गया गौरव भाई, हो गया इनका, बोलिए बोलूं जी, नंदी पे बोलिए दो शब्द बोलिए। नहीं अतीक अहमद कौन है आपके, बोल दे नहीं अतीक अहमद कौन है आपके, चचा होंगे, बताइए ना अतीक अहमद आप बोल रहे ना, होंगे मेरे कोई नहीं अतीक अहमद कौन, अरे उन पर भी बोलिए ना भाई, अखिलेश यादव जी के कौन है वो, जरा उन पर भी बोलिए ना भाई, किसी अनजाने को अतीक अहमद के बारे में नहीं बोलेंगे, सूत्रों के बारे में नहीं बोलेंगे। अरे विवेक पांडे भाई अलग बात कर रहे हैं, विवेक पांडे भाई क्योंकि उनके पाले हुए गुंडे, आपको दर्द नहीं है क्या, तो आज इनके सीने में दर्द हो रहा है, अखिलेश जी के सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास झलक रहा है भाई, दिख रहा है आपका ले जाएगी दर्द होगा तो दो शब्द बोल दीजिए जरा, 5 करोड़ का क्या जांच करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ या ना में बताइए, नहीं अतीक अहमद कौन है, कौन है आपका, आपके होंगे अतीक अहमद कौन है, भाई तकलीफ आप हो रही है, आप ले रहे हैं, उसने इतना बड़ा अपराध किया, अगर पुलिस कार्रवाई कर रही है अखिलेश जी को तकलीफ हो रही है कि दोषी कार्रवाई है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को तकलीफ हो रही है, निकल रही है, बताइए ना कौन है आपका, वो आपने पाला था, अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है तकलीफ हो रही है, निश्चित रूप से तकलीफ होगी, क्योंकि अपराधियों का साथ देने वाले दूर कैसे तकलीफ होगी, क्योंकि योगी जी की पुलिस है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है, वापस लेने जो भी अपराध करेगा उसको यही सजा मिलेगी। गौरव भाई क्या होता है अपने ऊपर मुकदमे वापस लेने वाला, बताइए जरा उसको क्या कहते हैं कानूनी भाषा में, अतीक अहमद कौन है, जरा उन पर बोलिए, पैसा आप पर डिबेट हो रही है उस पर बोलिए ना, कौन पता वोट बैंक नहीं खिसकेगा, हम तो अपराधी जानते हैं, अतीक अहमद को जब तक आप वोटर मानेंगे, जब तक उसको अपना नेता मानेंगे, तब तक उसके मन बढ़े रहेंगे, ऐसा अपराध करता रहेगा, और योगी जी की सरकार है, विवेक पांडे किसी अपराधी को पकड़ने वाली नहीं है, की आदत आपकी है, विवेक पांडे अपराधी आप, अतीक अहमद के साथ सबकी फोटो वायरल हुई है, मुकदमे किसके वापस की फोटो वायरल हुई है, किसके वापस हुए, खुशी है कि अरे अतीक अहमद है, अतीक अहमद से पैसे आप ले रहे हो, 5 करोड़ भाजपा का नेता लेता है, विवेक जी आपसे पूछ रहे हैं, नेताजी की तकलीफ समझ में आ गई, अतीक अहमद से 5 करोड़ क्यों लिया, समझ में आ गई, अतीक अहमद से 5 करोड़ क्या था, सुविधा शुल्क था कि हिस्सेदारी थी, ये बताइए अहमद कौन है, सुविधा शुल्क हिस्सेदारी क्या, अतीक अहमद कौन है, सुविधा शुल्क क्या हिस्सेदारी, अरे भाई बताने का काम नहीं है, अतीक अहमद कौन है आपका, आप ले रहे हैं भाई, आपकी पार्टी का नेता था, आज उसके बेटे के जब सीने पर गोली चली तो तकलीफ हुई, मेरा कहना है अपराधी को विराम निवास भाई का कहना है वाले नहीं, अगर अपराधी के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हुई तो क्या डरते, बोल बोल लिया, अच्छा हुआ है, तो मैं तो बोल रहा हूँ, बोले अच्छा हुआ है, अपराधी ये कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये बताइए मुझे, लेकिन क्यों लगा रहे, उन्नाव के वकील को गोली मारी गई, कैसे बोल सकते अपराध मुक्त, बताइए कैसे बोल सकते, इनका पाला हुआ गुंडा था, अरे आपके योगी जी के पाले हुए थे भाई, गोली चली उनके ऊपर मुकदमे कैसे लगे बताइए, तकलीफ हुई योगी जी के ऊपर, समझ सकते कैसे लगे, क्योंकि आपका पाला हुआ था, योगी जी के ऊपर मुकदमे कैसे लगे, ठीक है, जब योगी जी आ गए कैसे लगे, योगी जी बताइए अपराधी को बख्शने वाले नहीं है, वो मुकदमे योगी जी किसी अपराधी को बख्शने वाले नहीं है, ये देखिए अगर जो भी अपराधी ऐसा अपराध करेगा उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, विवेक पांडे जी 2.0 अहमद कौन है आपके, 2.0 सुनो अतीक अहमद पांडे जी कौन है आपके, आपके दबाव होंगे नहीं, आप रिश्ता नहीं, उनके बारे में बताइए, रिश्तेदार उनके बारे में नहीं बोलेंगे,
सीने पर गोली पड़ी ना, तो उनका सुसु लाइफ का बीच कर आया भाई। आपके नेता को तकलीफ है तो सुसु लाइफ का बीच कर दिया। आपने अपने आचरण को दिखा दिया ना, आपने दिखा दिया ना कि अतीक अहमद आपके आदमी थे, इसीलिए आपको तकलीफ हुई। अतीक अहमद आपके आदमी थे इसलिए आपको तकलीफ हुई। अतीक अहमद अपराधी था, अपराधी के साथ ये अपराध होगा, किसी तरह का कांड होगा, उनको ऐसे सीने पर गोली ठोकी जाएगी। जो भी अपराध करेगा, भाजपा कीचड़ थी, भाजपा कीचड़ है और रहेगी। अपराधियों का घर भाजपा, संरक्षण भाजपा। आपका आचरण दिखा रहा ना, वो दिख रहा है, दिख रहा है ठीक हो गया, हो गया बेपाने, हो गया बाकी मेहमान भी है, बाकी मेहमान भी है। आप लोग डिबेट में रहिए, अरे भाई पांडे हो गया आप लोग से बोले मतलब नहीं है। ये मछली मंडी नहीं है भाई, ये प्राइमरी डिबेट है। उसके बारे में पांडे जी कौन है आपका, नंदी के बारे में बताइए। आबादी में अगर नंदी का रिश्ता बताइए, खिलाफ कार्रवाई हुई नंदी का रिश्ता बताइए, क्यों हुई नंदी का रिश्ता बताइए, को तकलीफ क्यों हुई का रिश्ता बताइए, बहाने बताने का काम करिए। अरे मुझे पांडे हो गया, मुझे सबका पता है। रामनाथ भाई रामनाथ भाई विवेक भाई हो गया, हो गया। आपने बोले डिबेट बंद करा दो, अगर आपने बोले डिबेट बंद कर दो मतलब नहीं है। मुझे सबकी पता है, फोटो सबकी वायरल हुई है कि जब फोटो भी खींची है तो कोई कुत्ते से हाथ मिला रहा है। मुझे कोई ना बताए कि किसकी क्या स्थिति है। आज कल में जांच नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। जांच होनी चाहिए मांग रखिए ना, तो बोलिए ना। आप अपने क्या बोल रहे हैं, आप सिमर क्या बोल रहे हैं, आप सिमर क्या बोल रहे हैं, आपके पास आते हैं नहीं बोला, बताइए नहीं बोला, बताइए। योगी जी धरना दीजिए, आप जबरदस्त में सामने आप चलवाई बोल रहे अगली फिर होने लगी। चले हो गया भाई अपराधी शब्द नहीं, चले हो गया, हो गया, हो गया। नंदी कौन है, अतीक अहमद ठीक है, धर्म से आप बोलेंगे, धर्म से आप बोलेंगे, हो गया, हो गया, हो गया। अखिलेश जी को तकलीफ हुई, आपको तकलीफ हो रही, बताइए ना अतीक अहमद कौन है आपके देश में। जी बोलिए। देखिए उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्थाएं चल रही है योगी जी के राज में, अच्छा वो व्यवस्थाएं ऐसी है जी कि आप ये देखिए कि शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही तो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। अरे बहन जी अतीक अहमद के बारे में कुछ बोलेंगे, क्या रिश्ता है आप लोगों का उससे? अतीक अहमद पे मैं कानून व्यवस्था और सब पे आ रही होगी, ठीक है। आप बात पूरी होने दीजिए, बोले बोले बोले। देखिए स्कूल शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही तो स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी। अस्पतालों में डॉक्टर की भर्ती नहीं हो रही है, उनके बारे में बोलिए ना कि भाई वो अपराधी है कि नहीं, हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, अपराधी थे कि नहीं, और जो इनकाउंटर हुआ वो सही है। योगी जी ने अपनी कानून व्यवस्था बनाई बुलडोजर एनकाउंटर, इसलिए आप देखिएगा अब ना जज की भर्ती होगी ना वकीलों की, क्योंकि अब यही जज है और यही वकील है, यही फैसला कर लेंगे। अब ना जज की नौकरी निकलेगी और ना ही आपको वकील की निकलेगी, ना आप पुलिस की निकलेगी। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश में योगी जी अब एनकाउंटर और बुलडोजर चलाएंगे, ये आप यहाँ की कानून व्यवस्था ठप हो जाएगी सारी, और लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा, यहाँ संविधान भी नहीं चलेगा, सिर्फ योगी जी का बाबा जी का बुलडोजर चलेगा। तकलीफ है क्या आपको? प्रदेश की स्थिति आपको तकलीफ है क्या? अगर बुलडोजर चल रहा है तकलीफ है क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान खत्म हो जाए? संविधान की बात नहीं कर रहा हूं, बुलडोजर बुलडोजर की बात कर रहा हूं। आप बुलडोजर आप किसी का घर कैसे तुड़वा देंगे बिना बिना किसी क्या के लिए सामान आपके घर टूटा है क्या? तर्मा जी के सामान आपने बुलडोजर चलाया है? इनके इनके सरकार में इतने माफिया घूम रहे हैं, इतनी जमीनों के कब्जा कर रखी है, उनपे तो बुलडोजर चलता नहीं है। अच्छा एक गरीब गरीब जो है कानपुर का गरीब किसान है, उसने एक छोटा सा मकान बना लिया, आपने अगर आपको अतीक अहमद जैसा अपराधी गरीब लगता है, बीवी और ठीक है आपको आपको ये तो दर्द है कि एक अपराधी दूसरे परिवार को खत्म कर रहा है, लेकिन जो जो इस सरकार में जो सरकार बैठी है गजेंद्र पाड़े को गुजरा है त्रिपाठी कुछ पूछ रहे हैं आप जनता को, तर्मा जी जनता को जिस प्रकार बुलडोजर से डरा रहे हैं, तर्मा जी सुनिए उस पे भी दर्द होना चाहिए। सुनिए 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 गजेंद्र त्रिपाठी विशेषक पूछ रहे हैं आपसे कुछ, पूछिए। यमुना की सफाई दिल्ली में हो गई? अरे हो जाएगी 25 तक होगी, हाँ हो जाएगी।
मैडम ये बताइए दिल्ली में कितने विद्यालय का निर्माण किया आपने जी? दिल्ली कितने विद्यालय बनाए हैं? सुनिए, हमने इस बार 5 साल मांगे थे, अभी 5 साल पूरे नहीं हुए। यमुना की सफाई होगी, चिंता ना करें। 5 साल हो गया, विद्यालय बताइए कितने बनाए हैं आप? ये बताइए कितना बनाए, ये बता दीजिए आप। हमने तो विद्यालय ही बनाए हैं और कितने विद्यालय बनाए हैं दुनिया जानती है। आप ये बताइए दिल्ली में हर बार बजट दो विद्यालय बता दीजिए कहाँ बनाए हैं, दोनों विद्यालय बता दीजिए। अरे बैठ गए भाई, इस पूरे डिबेट में दो विद्यालय बता दीजिए। दिल्ली में विद्यालय क्यों नहीं खोले हमने? बताए ना, दो विद्यालय का नाम बता दीजिए, जनता सुनना चाहती है। अमेरिका से राष्ट्रपति, अरे अमेरिका, लंदन, फ्रांस छोड़िए, दो विद्यालय बता दीजिए। स्कूल नहीं दिखाते उसे मोदी जी? दो विद्यालय बताइए, दो विद्यालय। मुख्यमंत्री लिस्ट भी सुनना चाहते हैं, पूरा देश सुनना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी केवल आपकी रिकॉर्डिंग नहीं चलेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दो विद्यालय का नाम बता दीजिए। आप बच्चों को जो है शिक्षा उसका छीन रहे हैं। दो विद्यालय का नाम पूछा, अरे छीन रहे भाई। ये तरुणमा जी गाजियाबाद, ये गजेंद्र त्रिपाठी बोल रहे थे, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये राजनीति विश्लेषक है, सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में कूड़े के ढेर, दिल्ली में यमुना कब साफ होगी? विद्यालय लग रहे हैं मुझे। अच्छा, प्रवक्ता लग रहा है योगी जी, प्रवक्ता भाजपा के आज, ये भाजपा के प्रवक्ता है। बहुत बढ़िया जी, आपसे जो आपकी बात पूछ दे। हाँ, आप योगी जी के राजनीति में क्या करने आए थे? आप शुचिता लेके आए थे ना? बताइए है सरकारी सरकारी स्कूल सारे जेल में हो, सारे के सारे जेल में है। आप आए थी राजनीति में, सफाई करने सारे जेल में है, सारे को बोल दिया। उनपे क्या अपराध है ये बता दीजिए। रोज आप डिबेट देखिए, अडानी पर बात करते हैं, अडानी को तो जेल में ही डाल रहे। तो मोदी जी जनता को भूखे मार रहे हैं, आप दूसरी बात कर रहे हैं। बेर भाई कैसे रखते हैं यार? रामनाथ भाई बोल रहे हैं कि विपक्ष को पच नहीं रहा है, अगर काम हो रहा है तो क्यों दिक्कत है विपक्ष को? क्या समस्या है भाई? अगर एनकाउंटर हुआ है, अपराधी का यहाँ पर सर्वनाश हो रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई? बेर भाई, क्या दिक्कत है आप लोगों को भाई? क्यों दर्द है पेट में? क्या समस्या है बेर भाई, जवाब दीजिए जी। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। रामनाथ भाई कुछ बोल रहे थे आप जी? भाई जी, इतने बड़े न्यूज चैनल पे जी, जिस प्रकार से एक अपराधी का संरक्षण करते हुए जी विपक्ष के हमारे साथी आए, बार बार बोलिएगा हाँ, तो कितनी मतलब बेशर्मी की बात है जी, कि कभी उन माँ का दर्द नहीं देखा जी, जिसकी बेटे की सरेआम हत्या कर दी गई जी, उन वीर दो जवानों के कि परिवार को नहीं देखा, उनके दर्द को नहीं देखा, सबसे पहले दर्द उनका नहीं देखा। अतीक अहमद के हत्यारे बेटे का एनकाउंटर पुलिस ने किया, सबको दर्द दिखा। 1 करोड़ देंगे क्या? देंगे 1 करोड़ एक सरकारी नौकरी 1 करोड़, तीनों के परिवारों को दे दीजिए ना। जो पुलिस कर्मी पहले मांगा था मैंने जी, मांगा नहीं, पिछली बार भी मांगा था। अतीक अहमद पर बोलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो आपका पाला हुआ गुंडा है, नहीं उसके बारे में नहीं बोलेंगे। अतीक अहमद पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। जब उसके हत्यारे बेटे पर, हत्यारे बेटे पर बाद में पुलिस ने गोली चलाई, अखिलेश जी के सीने में दर्द हो गया, समाजवादी के प्रवक्ता के सीने में दर्द हो गया। कभी उनसे पूछा उन्होंने? उस माँ से कभी पूछा? उस बहन से पूछा कि जिनके जवान बेटे की सरेआम हत्या हो गई, उस पर कोई नहीं बोलेंगे? लेकिन अगर आप पुलिस कार्रवाई करेगी, नंदी की जांच करो, निश्चित रूप से इनको तकलीफ होगी। ये इनके हुए पाले हुए अपराधी थे, जिन पर आज योगी जी ने कार्रवाई करने का काम किया। ठीक है, अरे वो 1 करोड़ पूछ लीजिए पहले आप भाई, 5 करोड़ 1 करोड़ भाई आप पूछ लीजिए 1 करोड़। चलो ठीक,
कह रहे हैं कि एक करोड़ देंगे, एक सरकारी नौकरी देंगे, दोनों पुलिसकर्मी, एक अधिवक्ता के मृतक परिवार को। अतीक अहमद पर नहीं बोलेंगे, बोलिए उनसे पुराण का रिश्ता है, उसकी टिप उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, ना उस पर सुनना चाहेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। पाला था, आज अगर पुलिस ने नेस्तनाबूद किया है, कल उसका बयान आया ना कि हमको योगी जी की सरकार ने मिट्टी में मिला दिया, अब हमको रगड़ रही है, इनको लग रहा है हमारा हुआ पाला हुआ अपराधी, आज पुलिस को रगड़ रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है, तकलीफ समझ में आती है। ये बताइए, अगर कोई कार्रवाई हुई, एनकाउंटर हुआ है, अपराधी ढेर हुए हैं, तो क्या दिक्कत समर्थन दे रही है, क्या डर दे भाई, अपराधी के खिलाफ अगर कार्रवाई चल रही क्या दिक्कत है जी? एक बात आप बताइए कि कौन ये कह रहा है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है जी? ये तो सरकार ही कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष को दर्द हो रहा है। अच्छा, स्वाभाविक बात है, जितना सरकार चाहती, जितना सरकार चाहती है कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, विपक्ष क्या ये चाहता है अंकुश अपराधियों पर ना लगाया जाए? हम भी ये चाहते हैं कि अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, प्रदेश निरपराध हो, यहाँ शांति व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन जब उसका राजनीतिकरण किया जाता है किसी भी काम को करने के बाद, अरे ये इनकाउंटर हुआ है, कौन सी खास बात हो गई? इसके पहले क्या इनकाउंटर नहीं हुए हैं, या इसके पहले की सरकारों में इनकाउंटर नहीं हुए हैं? क्या इस सरकार में इस इनकाउंटर के अलावा पहले कोई इनकाउंटर नहीं हुए? इसको लेकर के इतना बड़ा प्रोपेगेंडा जब तैयार किया जाता है, तब बात होती है कि अब इसमें प्रश्न उठता है कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। अच्छा, कौन ये कह रहा है? जैसे हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी कह रहे हैं कि सबको दर्द हो रहा है। अरे भैया, किसको दर्द हो रहा है? मैं सवाल पूछ लेता हूं, चाहते हो अपराध मुक्त प्रदेश, चाहते हो बेर भाई, बेर भाई युक्त प्रदेश हो, बेर भाई भी चाहते हैं कि अपराध मुक्त प्रदेश हो, अपराधियों पर सरकार नियंत्रण करे, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। अच्छा, लेकिन सरकार अगर एक कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई को ढोल लेकर के पूरे प्रदेश में पीटना, तो क्या हम राजनीति नहीं करेंगे उसके ऊपर? क्यों नहीं? हम, आप राजनीति करने के लिए बैठे हो, हम क्या सब्जी का ठेला लगाने के लिए बैठे हैं? हम भी उस पर प्रश्न उठाएंगे कि क्या बात है, इसका भी जवाब दे दो। क्या जैसी संज्ञा दी है आपने, सब्जी ठेला लगाएंगे? मेरा कहना मेरे भाई केवल इतना आपसे है कि आपने कहा कि अपराधी पे कार्रवाई, सबसे महत्वपूर्ण बात, 100 से ज्यादा मुकदमे थे, पहले मुकदमे सजा हुई है, 40 साल का लंबा इतिहास, कई सरकारें रही, मैं यहाँ पर केवल भाजपा सपा को नहीं कहूंगा, कई सरकारें हमने देखी है, पर अब तक सजा नहीं हो रही थी, पहले सजा हुई, उसके बाद यहाँ पर अगर कार्रवाई हुई है, देखिए कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हमेशा हुई है, कई पूर्ववर्ती सरकारों में भी हुई है, मैं यहाँ किसी सरकार को ये नहीं बोलूंगा कि नाकाम रही है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, बड़े नाम जिनका एक दौर था, जिनकी एक पहचान थी, वो पहचान कि आम आदमी भयभीत होता था, जिनकी एक विरासत थी, वो विरासत थी अपराध की, अगर उस पर कार्रवाई हो रही है मेरे भाई, तो यहाँ पर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कार्रवाई अब तक नहीं हुई थी, अब तक ये बड़े नामों पर कार्रवाई नहीं हुई थी, अब तक ये बड़े नाम रुहा से नहीं हुए थे, अब तक इन बड़े नामों के आंखों में आंसू नहीं आए थे, इसे इस कार्रवाई के लिए यहाँ पर चर्चा हो रही है, समर्थन की बात कही जा रही है, अपनी बात पूरी कर। गौरव भाई जी, गौरव भाई जी, मैं कह रहा हूँ पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करे, नियंत्रण करे। विपक्ष ये कब कह रहा है कि अपराधियों के ऊपर नियंत्रण न किया जाए? जी, क्या जिस समय बिहार को समाप्त किया गया उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? पूर्ववर्ती सरकारों ने समाप्त किया वहां का, 14 के बाद समाप्त हुआ। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार 14 के बाद समाप्त हुआ, अपराधियों पे नियंत्रण किया जा रहा है, इसके पहले 14 के बाद पुलिस आई, खुली छूट थी कि साहब जो मर्जी आए वो करो, जब प्रशासन को कार्रवाई करने की इजाजत नहीं थी, सबको इजाजत थी, सरकार पुलिस का रसूख कायम रखे सरकार की जिम्मेदारी है। अच्छा, और अपराधियों पर नियंत्रण करे ये सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक है, और पुलिस का इकबाल कायम रहे ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन जब इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से इस पर प्रश्न उठेगा और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। ठीक है रामनाथ भाई, सवाल उठेगा, जवाब आपको देना पड़ेगा, जवाब आपको देना ही पड़ेगा, सत्ता पे आसीन है, जवाब दीजिए। नहीं गौरव जी, निश्चित रूप से सवाल उठेगा, भाई अपराध हुआ हमने उसकी सजा दे दी। हाँ, पहले अपराधी अपराध करता था, सीना खोल के पूरे उत्तर प्रदेश घूमता था। अच्छा, आज अपराधी
अपराध करने के बाद छिपता है, पुलिस से बचता है और लेकिन भाग के नहीं जाता है, पुलिस उसको पाताल से खींच के लाती है, या तो ऊपर भेजती है या जेल भेजती है। दो ही रास्ते, तीसरा कोई रास्ता नहीं जी, न कोई संरक्षण न कोई बचाओ। अच्छा। या तो जेल जाओ या ऊपर जाओ जी। इससे आज कानून व्यवस्था हमारी ठीक हुई, अपराधी अपराध करने में डर रहा है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था ठीक हुई है और योगी जी ठीक कर रहे हैं। उसमें अतीक जैसे लोगों ने दुर्दांत अपराध करने काम किया तो उनको आज सजा मिल रही है। उनको क्या फेंकू है यार, डर रहा है, बोल रहे हैं अभी उन्नाव में गोली मारी है वकील को। अच्छा। कितना फेंक रहे हैं बैठ करके ये उत्तर प्रदेश को लेकर के। वकील को गोली उन्नाव में मारी, उस पर कुछ बोली नहीं रही है। चलिए ठीक है, एक तरफ ये एनकाउंटर करवा रहे हैं, दूसरी तरफ अपराधी की गोली मार रहे हैं। अहमद के बारे में नहीं बोल सकते, पांच करोड़ की हिम्मत नहीं, एक करोड़ इनके नेता ने इनके मुंह पे ताला बंद कर दिया है। हो गया, आप सभी मेंबर इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा थी अतीक अहमद के बेटे और गुलाम की, यहाँ पर एनकाउंटर किया गया, एनकाउंटर के बाद जो चर्चा हुई और विपक्ष द्वारा ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये फेक एनकाउंटर, इसकी जांच होनी चाहिए। अब एनकाउंटर फेक है या नहीं है वो खैर जांच का विषय है, उस पर जांच होगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पर अगर अपराधी पे कार्रवाई हो रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए। एक राजनीतिक दल के होने के नाते भले ही ना करें, पर जनता होने के नाते समर्थन जरूरी है, क्योंकि जो भोगा है वो जनता ने भोगा है, जो समस्याएं झेली जनता ने झेली है और जो पीड़ित है वो भी जनता है। दल कि अपनी व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजनीति में अपराधीकरण का बढ़ावा सभी दलों ने दिया है। क्या यहाँ पर मैं किसी एक दल की बात नहीं कहूँगा, अगर राजनीति में अपराध का दखल हुआ है तो उसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। अगर आप अतीक अहमद को सांसद और विधायक बनाते रहेंगे तो इस तरह की स्थिति रूबरू होते रहेंगे और दशकों निकल जाएंगे और सजाएं नहीं मिलेंगी। अगर सजा देना चाहते हैं, वास्तव में अपराध मुक्त देश का निर्माण करना चाहते हैं, समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो सबसे पहले समाज की बुराई को दूर करिए और कम से कम समाज की बुराई को राजनीति में लेकर मत आइए, क्योंकि राजनीति सेवा के लिए रखी गई है, ना कि अपराध के लिए। जब जब अपराध राजनीति में जाएगा, एंट्री करेगा, अपनी पहचान बनाएगा, ऐसे अतीक और ऐसे मुख्तार पैदा होते रहेंगे जो मानवता को भी शर्मसार करेंगे, न्यायपालिका को शर्मसार करेंगे और शायद ऐसी व्यवस्था को भी शर्मसार करेंगे जो उसको लेकर हमेशा दुरुस्त करने की बात कही जाती है। चर्चा बहुत जरूरी है और चर्चा के माध्यम से केवल एक ही बात सामने निकल के आती है कि अगर अपराध का यहाँ पर सर्वनाश हुआ है उसके समर्थन करिए, और अगर वास्तव में अपराध को लेकर चर्चा करना चाहते हैं तो पहले अपराध मुक्त समाज की स्थापना करने के लिए अपराधियों को राजनीति से अलग करिए। और जब राजनीतिक दल इस व्यवस्था को शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल से ना कोई अतीक पैदा होगा और ना कोई मुख्तार अंसारी, और अपराध मुक्त समाज की स्थापना हम कर सकेंगे, क्योंकि राजनीति ही वो जरिया है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं और लोकतंत्र को बेहतर करते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।